नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं नागपुर से जुड़ी एक खास खबर। नागपुर महानगर पालिका द्वारा लगाए गए 2 दिन के लॉकडाउन में NMC प्रशासन की ओर से मांसाहारी दुकानें शुरू रहेगी ऐसा आश्वासन दिया गया था। बावजूद इसके आज रविवार को सुबह नागपुर पुलिस प्रशासन की ओर से मेयो हॉस्पिटल के सामने लगाए जाने वाले मछली मार्केट पर कार्यवाही की गई। अचानक हुई इस कार्यवाही से मछली व्यापारियों में हड़कंप मच गया व पुलिस प्रशासन ने सभी दुकानें बंद करने को कहा। व्यापारियों का कहना है कि इस कार्यवाही की पूर्व सूचना शनिवार को देर रात दुकानें बंद होने के बाद दी गई, जिसमें संशय की स्थिति थी, जिस वजह से रविवार को दुकानें खोली गई। पुलिस प्रशासन की कार्यवाही का व्यापारियों द्वारा विरोध करने पर नागपुर शहर पुलिस ने कई व्यापारियों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद महापौर दयाशंकर तिवारी ने आज सुबह ही मेयो हॉस्पिटल क्षेत्र में स्थित मछली मार्केट में भेंट देकर मछली मार्केट दोबारा शुरू करवाया व उन सभी व्यापारियों को रिहा कर दिया गया। हालांकि महापौर दयाशंकर तिवारी के हस्तक्षेप के बाद पूरा मामला शांत हो गया और मार्केट पहले की तरह ही शुरू कर दिया गया। मनपा प्रशासन ने जो मटन, चिकन और मछली बाजार शुरू रखने का अध्यादेश निकाला था, परिपत्र निकाला था, वो सभी अखबारों के माध्यम से, सारे प्रचार तंत्र के माध्यम से प्रशासन ने सभी जगह भेजा गया। कल मछली बाजार पूरा समय शुरू रहा, पुलिस ने किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दी। कल एकाएक शाम को पुलिस की गाड़ी यहाँ घूमी और उसने आह्वान किया कि ये बंद रखना पड़ेगा। मुझसे पूछा गया तो मैंने बताया शासन का आदेश है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। लेकिन फिर से पुलिस वालों से बात किया तो उन्होंने कहा DCP साहब का आदेश है। हमारे अतिरिक्त आयुक्त श्री राम ज्योति, इनसे मैंने DCP साहब की बात करा दी, भाई एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से बात कर ले। उन्होंने बात कर लिया, बात करने के बाद उनका फ़ोन आया, मेरी बात हो गई है। मैंने सभी से कहा बाजार शुरू कर लो, इन्होंने बाजार शुरू कर लिया। बाजार शुरू करने के बाद घंटा सवा घंटा बाजार चला होगा और फिर से सारे पुलिस वाले आकर के प्रत्येक दुकान से एक एक व्यक्ति को उठा के ले गए, ऐसी जानकारी मिली मुझे। हमारे इस वार्ड के अध्यक्ष है अजय गौर जी, इनका फ़ोन आया, मैं भंडेवाड़ी में था, मैंने तुरंत मतानी साहब से बात किया। मतानी साहब ने कहा कि मेरे मुझसे जो बात हुई है उसमें कमिश्नर साहब ने मुझसे बंद करने के लिए कहा है, मतलब आपको उन्होंने ऑर्डर की कॉपी व्हाट्सअप की है, एक बार उसको देख लीजिए और एक बार फिर से आप बात कर लीजिए। उन्होंने दोबारा बात करी, बात करने के बाद मतानी साहब का कन्फ्यूज़न समाप्त हुआ और जिन लोगों को पुलिस लेकर के गई है उन्हें तुरंत पुलिस छोड़ रही है। अब पुलिस उसको दूसरा स्वरूप देना चाहती है कि भाई यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, तो ये नैसर्गिक है कि अगर बाजार चलाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, उसके साथ सभी व्यापारियों ने दुकान चलाना चाहिए। लेकिन एक कंफ्यूजन के कारण आज का इनका सभी का जो व्यापार था, असल में ये बाजार का व्यापार ऐसा है कि यहाँ कुछ लोग होलसेल के व्यापारी हैं, शहर भर में दुकान लगाने वाले सुबह आकर के माल लेके जाते हैं। जब सुबह पुलिस ने बंद करा दी तो आधा तो इनका इतवार का बाजार अपने आप ऐसे ही समाप्त हो गया। इनका नुकसान हुआ है, कन्फ्यूजन के कारण हुआ है, लेकिन अभी इन पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। अब फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार।